हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम्स यू ऑन माय चैनल। तो जी नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का स्वागत है संगीत शिक्षा हिंदी चैनल पर। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हारमोनियम जो कि बहुत प्रोफेशनल है, कोलकाता स्टाइल विथ टू सेट रीड, खड़ी कंगी, विदाउट कपलर, 7 बेलो। ओके, सो लेट्स सी एंड लेट्स कम टू द हारमोनियम। दिखाता हूं मैं आपको हारमोनियम और क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सी रीड है, ये सब मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो बहुत ही प्रोफेशनल हारमोनियम है, साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों के लिए ही परफेक्ट है। कैसे है, क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं हारमोनियम के साथ। ओके, सो लेट्स मूव टू द हारमोनियम। ओके, सो दिस इज द हारमोनियम, यू कैन सी। ओके, ये हारमोनियम है, आप देख सकते हैं फुल्ली डिजाइन है। कलकत्ता हारमोनियम की खासियत यह है कि फुल्ली डिजाइनर रहता है, पीतल का काम होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चीज यह है कि मैं आपको उसके वुड के बारे में बता दूं, लकड़ी के बारे में बता दूं कि लकड़ी जो है वो बर्मा टीक वुड है, शागवान है, एक ही बात होती है। ओके, सो फोल्डिंग हारमोनियम है, आप चाहते हैं तो नॉन फोल्डिंग में मिल जाएगा, सेम फीचर होंगे, बस फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग की जगह बदल जाएगी, ये फोल्डिंग है वो नॉन फोल्डिंग हो जाएगा। ओके, सो लेट्स ओपन इट। सो अब मैं लॉक फीचर दिखाता हूं आपको, सेम है लॉक फीचर, आई होप यू कैन सी इट। ओके, हैंडल वेरी पावरफुल हैंडल, बहुत ही एकदम मजबूत हैंडल है, आप लिफ्ट कर सकते हैं आराम से, यू कैन सी इट। काफी भारी हारमोनियम है, मेरी खुद आवाज चेंज हो गई। ओके, सो इस पोजीशन में भी खड़ा कर सकते हैं आप और इस पोजीशन में आराम से लेटा सकते हैं, नीचे हैंडल लगे हुए हैं, क्लिप लगे हुए हैं। ओके, सो खोलने का तरीका वही है जो मैंने अमृतसर ही बताया था, किसी भी फोल्डिंग हारमोनियम को खोलें आप तो लिटाकर ही खोलें, वो इजी होता है, अन्यथा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो यू कैन सी वेलवेट विद बॉर्डर फिनिश, शागवान वुड, बर्मा टीक लकड़ी है। ओके, शागवान लकड़ी है, वेरी हैवी कवर, तो आप देख सकते हैं पूरा डिजाइनर है, 3.5 सप्तक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ये जाली है इसकी, इसको आप हटा सकते हैं, पूरा डिजाइनर है सारा कुछ, ये पीतल का वर्क है, बिल्कुल जंक नहीं खाएगा, डोंट वरी। ओके, तो जंक नहीं खाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। ओके, सो अब हम इसको लिफ्ट करते हैं, वेरी स्मूथ फोल्डिंग। मेरे हारमोनियम में खासियत ये है कि हारमोनियम में फोल्डिंग हारमोनियम जो है खासकर वो फंसेंगे नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नाउ विद 9 स्टॉपर, इसमें 4 ब्लॉकेज है, एयर ब्लॉक स्टॉपर्स हैं, तो इसमें 4 एयर ब्लॉक स्टॉपर हैं। सबसे पहले बता दूं, 5 नहीं है 4 हैं और इसमें 5 नोट हैं। ओके, तो अब सबसे पहले मैं इसमें ये आपको जाली का फीचर बताता हूं, ये आपने उठाया आराम से हट जाएगा, वेरी स्मूथ, सारा कुछ पीतल का वर्क है, ये हमने हटाया। अब आप देख रहे होंगे यहां इंग्लिश चाबी है, सो यू कैन सी इंग्लिश की, यानी इंग्लिश चाबी है, देसी नहीं, इंग्लिश चाबी है। इसकी खासियत यह होती है कि ये बहुत ही फ्री होती है, यानी कि बहुत ही स्मूथ होती है, टाइट नहीं चलती। हालांकि मेरे सभी हारमोनियम में, चाहे आप अंग्रेजी चाबी लें चाहे देसी चाबी लें, सभी में आपको एकदम स्मूथ की मिलेगी, आसानी होगी आपको बजाने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, 42 कीज है, 3.5 सप्तक है। ओके, सो 7 बेलो है, लेट मी शो यू, दिस इज 7 बेलो, वेरी स्मूथ 7 बेलो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दोनों साइड के लिए है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोथ। ओके, सो नाउ 9 स्टॉपर विद 4 एयर ब्लॉकेज, जो 9 स्टॉपर है उनमें से जो 4 है वो एयर ब्लॉकेज के हैं। अब एयर ब्लॉकेज का खासियत इसमें पता क्या है कि अगर आप चारों खोलते हैं तो बास मेल हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए कि अगर आप चारों खोलते हैं तो बास मेल हो जाएगा, मींस टू से दैट कि बास की रीड भी वर्क करेगी और मेल की भी, जो कि मेल वॉइस के लिए सबसे बेस्ट है। लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, जैसे हमने चारों ऑन किए जो व्हाइट कलर के हैं, बाकी जो अलग है वो पीतल के हैं, इसमें सब कुछ वर्क पीतल का हुआ है। Listen the sustain with a chord. Okay? Mm-hmm.
अब इसमें क्या खासियत है, अगर हमने बास के स्टॉपर बंद कर दी जो कि पहला और आखिरी है, जो कि पहला और आखिरी है, मैं दोबारा बता दूं, ओके लेट मी रिपीट दिस, ये हमने पहला और आखिरी बंद किया, ठीक है, व्हाइट वाला स्टॉपर। अब इसमें क्या है, एक सेट चलेगा जो कि फीमेल वॉइस के लिए सबसे बेस्ट है। अब फीमेल वाले सोचते हैं यानी कि चिल्ड्रंस हैं या गर्ल चाइल्ड है और वुमेन है ना, जो लेडी हैं वो सोचते हैं कि सर मैं कौन सा हारमोनियम लूं, जबकि उनके लिए बास मेल अच्छा नहीं होता है, सच बात है। अब देखिए हो गई वॉइस सस्टेन, देखिएगा एक सेट खुला हुआ है, कलकत्ता स्टाइल में ही यही फीचर होता है, बजट नहीं है वो बात अलग है, पर कलकत्ता स्टाइल में अगर ये फीचर आपको चाहिए तो सिर्फ कलकत्ता स्टाइल में ही मिलेगा। तो ये फीमेल वॉइस के लिए सबसे बेस्ट फीचर है इस हारमोनियम में, ओके। सो नाउ कमिंग टू द रीड, दो सेट का रीड है, पॉलिटाना है, प्योर पॉलिटाना, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज माई गारंटी ऑन बिल, पक्का बिल मिलेगा आपको, और उस पर लिखा होगा कि पॉलिटाना रीड रतिलाल सम्राट डीलक्स रीड, नॉट अ प्रीमियर, डीलक्स रीड, रीड पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। पहले मैं फैन बंद कर दूं, नहीं तो सस्टेन खत्म हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं खड़ी कंगी में है, सबसे पहली चीज खड़ी कंगी में है, आप देख सकते हैं फीचर, पूरा बोर्ड है सस्टेन का यानी कि स्टॉपर्स का, ये खड़ी कंगी है, ये लेटी कंगी है, ओके। सो इस पर लिखा हुआ है पॉलिटाना स्टार रीड है, डीलक्स रीड है, ओके। सो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर ये आपकी संतुष्टि के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक हाथ से बाजा ऐसे बस, ये देखिए सस्टेन, अभी ये शार्प है। इसमें क्या दोनों फीचर है, आप बास मेल भी कर सकते हो और मेल मेल भी कर सकते हो। अब देखिए आप क्या है कि अब हमने बास खोल लिया, तो देखिए अब देखिए इसमें बास मेल हो गया, ये भी नहीं है, आपके बजट में आ जाएगा, डोंट वरी, स्केल चेंजर की जरूरत नहीं है, आपको सारे फीचर्स में मिल जाएंगे अपने आप बिना स्केल चेंजर। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। Okay, I hope you will like it. So please share it, subscribe it. If there any query, you can comment on my comment box. Okay, I will solve it and order it. This is the best harmonium, so don't worry about that. Okay.